नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो काफ़ी क्लाइंट आते हैं मिलने। सो यूके स्टूडेंट एंड स्पाउस वीज़ा को लेके उनके मन में डाउट होता है, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। इकट्ठे फाइल लगाएं, बाद में लगाएं, इकट्ठे ट्रैवल करें या क्या सिनेरियो करें, तो क्या डिटेल्स रहती है और करंट सक्सेस रेट क्या है उसके बारे में बात करें। सो वीडियो कंट तक जरूर देखें। एंड इफ़ यू न्यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल और हमें कॉल कर सकते हैं अगर स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के बारे में क्वेरी है। 90410 90410 मिनट से 9041090410 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सक्सेस रेट की जब बात करते हैं यूके स्टूडेंट एंड स्पाउस वीजा, तो देखिए इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आई नो आप में से काफी एप्लीकेंट है जो आते हैं जिन्होंने इकट्ठे ही अप्लाई करना है, लेकिन सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। सक्सेस रेट की बात करें तो जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट है मोर देन 90% चल रहा है। 90% मोर देन इसलिए कह रहा हूं कि 70-80% तो बिना इंटरव्यू के वीजा आ रहा है। जो 20% लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं उसमें से 10-20% जो है, 30% जो है रिफ्यूजल भी आती है। डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है। तो ओवरऑल मार्केट का सक्सेस रेट देखें तो यूके स्टूडेंट वीजा मोर देन 90% सक्सेस रेट चल रहा है, क्योंकि जहां तो सीधा वीजा है जहां इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू आते तो वीजा आपके अपने हाथ में है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि स्पाउस का सक्सेस रेट, दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है स्पाउस का वीजा आप अप्लाई कर रहे हो खुद का वीजा लेने के बाद, 100% सक्सेस रेट। अगर आप सही तरीके से बढ़िया वे से अगर फाइल लगाते हो तो 100% सक्सेस रेट है। दूसरा फैक्टर आता है स्पाउस का वीजा आ चुका है, ट्रैवल उसने नहीं किया तो आप फाइल लगा रहे हो तो भी वीजा के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेन एप्लीकेंट ने अपने फॉर्म में लिखा था कि आर यू ट्रैवलिंग टुगेदर क्वेश्चन आता है। अगर यस किया तो यस आप ट्राई कर सकते हैं, अगर बहुत जरूरी है कि नहीं महीना भी अकेले नहीं जाना इकट्ठे ही जाना है उस सिचुएशन में। अगर उसमें नो किया है, वीज़ा आपका आ चुका है, आप अब फाइल लगा रहे हो तो रिफ्यूज़ल आएगी, मिस प्रेजेंटेशन कि आपका पहले स्टेटमेंट कुछ और थी अब कुछ और है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकट्ठे लगाना है, जाना है तो सभी ने जाना है नहीं तो नहीं जाना। आप ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। जी हाँ, आपके इंटरव्यू के चांसेस डबल हो जाते हैं इस सिनेरियो में। हालांकि अभी भी हमारे केस भी लगे हैं कुछ ऐसे जहाँ पे बिना इंटरव्यू वीज़े आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं एम्बेसी के एंगल से तो उनको स्टूडेंट के साथ साथ स्पाउस साथ में जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, तो उनको इंटेंशन के ऊपर डाउट होता है कि क्या ये पढ़ने ही जा रहा है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन अब देखते हैं कि इकट्ठे लगा रहे हैं सारे, एक तो फाइनेंशियल वगैरह आपके सही होने चाहिए, इकट्ठे आप फाइल लगा रहे लगा सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इंटरव्यू में सही तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हो। तैयारी हम करवाते हैं लेकिन प्रेजेंट करना वो आपका काम है, क्या आप उसको वीज़ा ऑफिसर को उस टाइम पे बिना नर्वस हुए अपने आंसर जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, तो उसके ऊपर वीज़ा होता है। तो देखिए मोटो क्या है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गोल है कि आप पहुंचो, स्पाउस वहां पे पहुंचे, तो आपके पहुंचने के बाद महीने बाद भी स्पाउस वहां पे पहुंच जाएगा। अभी तक हमारा एक भी स्पाउस, कोई है कोई वीडियो देख रहा तो वो बोल दे कि हम यहां पे रह गए थे आपसे फाइल लगाई थी, एक भी एप्लीकेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो स्पाउस वीजा का लगाया हो बाद में और यहां इंडिया में बैठा हो कि मेरा वीजा नहीं आया। तो ये प्रैक्टिकल समझे, आप पहुंच जाओगे तो कनाडा की तरह तो है नहीं कि साल साल फाइल का रिजल्ट नहीं आ रहा, यहाँ आप विद इन आपके मेन एप्लीकेंट के पहुंचने के विद इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आप वहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि यूके स्पाउस बाद में वीज़ा लेना इजी है, इकट्ठे में इंटरव्यू के चांसेस है। तो आप मान के चलो दो चीज़ें हैं, कैनेडा में अगर रिफ्यूज़ल आ जाए ना तो ईजी होता है, यहाँ पर बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। यूके की अगर रिफ्यूजल आ जाती है आपकी, स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की रिफ्यूजल आ जाती है तो को एप्लीकेंट का तो फाइल पे कुछ काम ही नहीं होना, सीधा रिफ्यूजल, वैसी फीस गई, लेकिन दोबारा से यूके यूनिवर्सिटी एडमिशन ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरव्यू में वीजा रिफ्यूज होगा, वैसे वीजा रिफ्यूज नहीं होना। तो इंटरव्यू में वीजा रिफ्यूज का मतलब क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट है एम्बेसी को, उसको जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है, सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं। तो कोई भी यूके यूनिवर्सिटी आपको वीजा नहीं देगी, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना जब आपका अच्छा खासा ऑप्शन है, स्पेशली जिनके पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि यूके ही एक बचा है कंट्री। तो प्लीज बड़ा रिस्क ना लें, सभी पहुंच जाओगे। अगर डिटेल में जाना है तो आप आके मुझे मिल रहे, आप अपॉइंटमेंट बना के मिल सकते, क्योंकि काफी क्लाइंट मिलने आते लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं बनाते तो उस वजह से कई बार मैं अवेलेबल नहीं होता। तो आप अमृतसर जलंधर ऑफिस आना चाहते हैं, कोई डाउट है स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग या स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग, यूके को लेकर कोई क्वेरी है, आप कॉल कर लें हमारे नंबर के ऊपर, जहां आप मुझे विजिट कर लें। कॉल करने के लिए नंबर है 9041090410। सो यूके स्टूडेंट एंड स्पाउस आप लगा सकते हैं, लेकिन जो एडवाइस हम देंगे उसको डिटेल में समझे, डिसीजन आपका अपना है। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।